वैदिक होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बालों में कुदरती चमक के 5 तरीकों के बारे में बताऊंगी। कुछ को तो तरह तरह की हेयर स्टाइल बनाना अच्छा लगता है और कुछ को अपने कुदरती बालों पर ही नाज होता है। बदलते ज़माने के साथ फैशनेबल दिखने की होड़ में अब हेयर स्टाइल को लेकर रोज़ नए नए प्रयोग हो रहे हैं। नतीजा यह होता है कि असमय ही बालों का झड़ना, टूटना, बालों का कमज़ोर होना जैसी शिकायतें होने लगी है। आज हम आपको कुछ नेचुरल हेयर केयर टिप्स के बारे में बताएंगे, जैसे नारियल तेल की मालिश। नारियल तेल के फ़ायदे को हम भूलते जा रहे हैं। बालों की मजबूती के लिए नारियल तेल काफ़ी फ़ायदेमंद है। रोज़ाना अगर हम 15 मिनट बालों की मसाज नारियल तेल से करें तो बाल सिल्की तो होंगे ही, साथ ही बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा शहद और अंडे की मालिश भी हम कर सकते हैं। शहद बालों के पोषण के लिए बेस्ट है, इससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। अगर शहद के साथ अंडे की जर्दी मिला दें तो इसका असर दोगुना हो जाता है। बालों की जड़ यानी स्कल्प को इससे ज़रूरी प्रोटीन यानी कैराटीन मिलता है। भृंगराज के तेल की मालिश। भृंगराज के औषधीय गुणों से बालों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। रोज़ाना अगर भृंगराज के तेल से बालों की मालिश करने से बाल काले और घने होते हैं, इससे बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। इससे लगाने से बालों में रूसी भी कम होती है और यह सिर को हम ठंडक भी पहुंचाता है। बादाम के तेल की मालिश भी कर सकते हैं। बादाम न सिर्फ दिमाग को तंदुरुस्त रखता है बल्कि बालों को भी जरूरी पोषण देता है। बादाम में विटामिन ई पाया जाता है जिससे बालों को मजबूती मिलती है। हफ्ते में एक दिन बादाम तेल से बालों की मालिश जरूर करनी चाहिए। इसके इस्तेमाल से बालों का झड़ना भी रुक जाता है। इसके अलावा बालों के मॉइस्चराइजेशन के लिए 5 प्रकार के तेलों का इस्तेमाल करें। बादाम, कैस्टर, जैतून, नारियल और लेवेंडर के तेल की बराबर मात्रा में लें। इसे मिक्स कर लें। इस मिक्स ऑयल से बालों की मसाज करें, फिर इसे 4 घंटे तक छोड़ दें। इसे हफ्ते में 2-3 दिन आजमाएं। बालों में शाइनिंग तो आएगी ही, साथ ही बालों की जड़ों को भी मजबूती मिलेगी। हेयर केयर के लिए हमें क्या करना चाहिए? बालों के स्कल्प को हमें साफ़ रखना चाहिए। रोज़ाना माइल्ड शैम्पू करें, हार्ड शैम्पू नहीं करना चाहिए। हफ्ते में एक दिन 15 मिनट तक बालों की मसाज तेल से करें। हमेशा हर्बल केयर प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें। रूखे और बेजान बालों में सीरम का प्रयोग करें, इससे बालों में शाइनिंग आएगी। बालों को हमेशा सूखा रखें, बालों की जड़ों की मसाज करें। हेयर केयर के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? हेयर कलर से संभव हो तो परहेज करें। हेयर जेल व हेयर स्प्रे का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें। गीले बालों को नहीं बांधें, इससे स्किन इन्फेक्शन का खतरा रहता है। बालों की सुंदरता के लिए बाज़ार में बिकने वाले हेयर कलर, हेयर डाई, जेल के ज़्यादा इस्तेमाल से बचें। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे आने वाली नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।